हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। और दोस्तों, आप यहां पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कानमास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कानमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कानमास्टर ऐप को ओपन करना है। कानमास्टर ऐप ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नारेसो 60 की साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको लेफ्ट साइड में सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से गाइस आपको पहले एक फोटो को या वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है, जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इस समय एक वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक गाइस, आपको इसकी डायरेक्शन को 5.640 तक इसको लंबा कर देना है, इस तरह से। तो इस तरह से गाइस आपको इसकी डायरेक्शन को 5.640 तक लंबा कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। गाइस, आपको फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसकी डायरेक्शन को 0.4 पर सेट करना है, इस तरह से आपको 0.4 पर सेट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से गाइस आप इसमें 10-15 वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से गाइस आप जितना लंबा वीडियो को बनाना चाहते हैं आपको यहाँ पर वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस हम 15 सेकंड का वीडियो यहाँ पर बनाने वाले हैं। आप इसको और लंबा भी बना सकते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो 15 सेकंड तक लंबा हो चुका है। तो गाइस, आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। वॉलपेपर की लेयर को इस तरह से जूम करना है। जूम होने के बाद आपको फर्स्ट वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्लिक ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने इस तरह से क्लिप ग्राफिक्स आ जाएंगे। तो आपको सेकंड नंबर पर मिल रहा है इन एमिनेशन, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको राइट साइड में एक डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके इस एमिनेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक आना है। गाइस, यहाँ से आपको इसमें एक और क्लिप ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है। आपको यहाँ से नीचे एक ऑप्शन मिला है ट्रे वाले, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस आपको कैम मोशन वाले क्लिप ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको राइट साइड में क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको दोनों क्लिप ग्राफिक्स को डाउनलोड करना है। गाइस, आपको फर्स्ट वॉलपेपर में कैम मोशन वाले क्लिप ग्राफिक्स को लगाना है। तो आपको कैम मोशन वाले क्लिप ग्राफिक्स को फर्स्ट वॉलपेपर में लगा देना है। इसमें आपको चौथे नंबर वाले क्लिप ग्राफिक्स को लगाना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। अब गाइस, आपको वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। अब गाइस, आपको सेकेंड फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। 9 नंबर वाले क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है। इस तरह से गाइस आपको सभी वॉलपेपर में 9 नंबर वाले क्लिप ग्राफिक्स को लगा देना है। तो चलिए हम जल्दी से लगा देते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने सभी वॉलपेपर में इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राफिक्स को लगा दिया है। आपको भी इसी तरह से सभी वॉलपेपर में इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राफिक्स को लगा देना है। अब गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम आउट करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम आउट करना है। फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। गाइस, आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है ऑडियो वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल में जितने भी सॉन्ग होंगे आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से गाइस आपको इस समय सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है। गाइस, आप जिस भी सॉन्ग को लगाना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका सॉन्ग वीडियो में लग जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा सॉन्ग यहाँ पर लग चुका है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा साउंड इसमें लग चुका है। गाइस, आपको इस साउंड की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस साउंड को डाउनलोड कर लेना है। अब गाइस, यहां से आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है।
यहाँ से आपको इस समय एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस आपको इस इफेक्ट वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको इस इफेक्ट वीडियो का साउंड को म्यूट कर देना है। आपको इफेक्ट वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको साउंड वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस वीडियो के साउंड को म्यूट कर देना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको लास्ट बार लेयर पर करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस समय एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को खींचकर वीडियो को लेकर बड़ा कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर किसी वॉलपेपर को लगाकर न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।